व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस BGMI और फ्री फायर पूरे मजे में खेल रहे होंगे। हाँ खेल रहे होंगे। तो गाइस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके गेम प्ले की वाट लगा सकती है या आपके गेम प्ले को आसमान से सीधा जमीन पे फेंक सकती है। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई स्किल, वाईफाई कनेक्टिविटी और प्रोसेसर बहुत जरूरी है, और मैं कहूँ कि इन तीनों के अलावा भी कुछ जीवित जानवर यहाँ मौजूद है। तो आप लोगों का रिएक्शन बिल्कुल यही रहने वाला है। बिल्कुल जी हाँ गाइस, इन तीनों के अलावा भी कुछ ऐसे प्राणी या पक्षोद इंसान मौजूद हैं BGMI और फ्री फायर के वर्ल्ड में जो तुम्हारे गेम प्ले की वाट लगा सकते हैं। और प्यार से इन पक्षोद जानवरों को हम कहते हैं टीम मेट्स। हाँ इनको हम टीम मेट्स कहते हैं और मैं इन्हें कहता हूँ पक्षोद जानवर। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन, भिखारी टीममेट। भाई ये पूरा इरेंगल लूट लेंगे, पूरा शैनोक लूट लेंगे, लेकिन आखिरी में इनके पास लूट के नाम पे होगी सिर्फ 2 गन और 1 स्कोप। आप इनसे कभी भी कुछ मांग लो, ये आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। अब पता नहीं ये जानबूझ के नहीं देते हैं या इनके पास सच में नहीं होता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये 3 नंबर मेरा टीममेट नॉक होता है। नॉक होने के बाद ये मेरे पास आता है। मैंने रिवाइव टच भी नहीं किया था, इसने मुझसे हेल्थ किट मांग ली और मेरे पास एक ही हेल्थ किट। तो इनका काम ये है कि तुम्हारे बैकपैक की वाट लगाना, कैसे ना कैसे तुम्हारे बैकपैक को खाली करना, इसलिए मैं इन्हें कहता हूँ भिखारी टीममेट। चलते हैं नंबर 2। ये वो टीममेट होते हैं भाई पता नहीं कैसे, लेकिन ये नॉक ही होते हैं। इनका काम ये है नॉक होना, रिवाइव लेना, फिर नॉक होना, रिवाइव लेना, नॉक होना। जो तुम्हारे सामने क्लिप चल रही है तुम इसको स्लो करके देख सकते हो, कम से कम ये बंदे 10 बार नॉक हुए और मैंने 10 के बाद इन्हें रिवाइव किया है। रिवाइव कर करके तुम्हारे हाथ थक जाएंगे लेकिन ये नॉक होके नहीं थकेंगे। और मैं तो तुम्हें कहूँगा अगर ऐसे टीममेट तुम खेल रहे हो ना तो भाई तुम मत खेलो, स्क्वाड मत खेलो भाई, निकल जाओ वहां से। तुम्हारे गेम प्ले की ऐसी वाट लगने वाली है, तुम रिवाइव करते करते रह जाओगे लेकिन ये नॉक होते नहीं बंद होंगे। तो फटाफट इनको जल्द से छोड़ दो और सोलो खेलना स्टार्ट कर दो। नंबर 3, ये वो टीममेट होते हैं भाई कि इनकी किस्मत है ना तुम्हारी गली के कुत्ते से भी बेकार होती है, यानी इनको कहीं भी कुछ भी काट सकता है, ये कभी भी कैसे मर सकते हैं, इनके ऊपर नेड पड़ सकता है, ये चल ऊपर आसमान से नीचे गिर सकते हैं, टेंपल से नीचे गिर सकते हैं, ये कैसे भी मर सकते हैं और आपकी स्कोर की बैंड बजा सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर स्कोर हाउस के अंदर स्कोर कैंप करके बैठी थी, तो हमने सोचा कि हम उछल कर यानी गाड़ी को जंप कराएंगे और स्कोर हाउस के ऊपर उतर कर उनको मार डालेंगे। सिंपल प्लान था, ईजी प्लान था, और हमारी स्कोर ने किया भी ऐसा। हमने जैसे ही मैंने गाड़ी कुदाई, ड्राइव मैं कर रहा था, मैंने गाड़ी बिल्कुल सही एंगल पे कुदाई और कूदते ही हम सब जंप कर गए। हम सब ने टाइमिंग के साथ जंप करी सिवाय हमारे एक बच्चों दोस्त को छोड़कर, और वो गिर के हो जाता है नो। और यहाँ पर रश की बढ़ जाती है बैंड, उसको फिनिश कर देते हैं बंदे नीचे जो थे। हमने एक बंदे को निकाला और उसको फिनिश कर दिया। नंबर 4, ये वो टीममेट होते हैं भाई जिनका काम ही होता है बकचोदी करना, यानी ये गेम के अंदर आएंगे ही सब बकचोदी करने। इनको गेम प्ले की कोई नॉलेज नहीं होती है, ना ही ये तुम्हें कवर देंगे, ना ही कुछ, नहीं इनको करनी है सिर्फ बकचोदी। बकचोदी के मामले में ये ऐसे होते हैं, तुम्हें कहेंगे कि भाई तू टेंशन ले, तेरा भाई 1v4 कर देगा, भाई तू टेंशन मत ले, तेरा भाई 1v2 कर देगा, भाई तू टेंशन मत ले, आज तेरा चिकन डिनर पक्का है। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। अगर तुम उसकी बातों को लेकर टेंशन नहीं लेते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी टेंशन है। तो कृपया कर ऐसे बंदों से दूर रहे। अब चलते अपने आज के आखिरी नंबर 5 की तरफ। ये वो टीममेट होते हैं भाई जो हमेशा तुम्हें रॉन्ग कॉलिंग देंगे। इनकी कॉलिंग पे विश्वास करके अगर तुम घुस गए हो ना बंदों में तो तुम सबसे बड़े मूर्ख बंदे हो। ये तुम्हें कहेंगे कि भैया 1 HP है, भाई 1 HP है, मैंने 4 डैमेज दिया, तेरी कसम, तेरी अपनी दोस्ती की कसम, भाई ये घर वालों तक की कसम खा जाते हैं। और जब तुम घुसते हो ना तो वहाँ होता है बंदा फुल HP और वो तुम्हारी बजाते देता है बैंड। ऊपर से अगर ये मर जाते हैं तो ये तुम्हें कहेंगे कि भाई दो ही बंदे थे। और जब तुम 2 बंदे सोचकर घुसते हो तो वहाँ मिलते हैं 4 यमराज जो तुम्हारी कहकर ले लेते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। आज हमने 5 जानवरों के बारे में बात करी जो आपके गेम प्ले की बहुत अच्छे से वाट लगा सकते हैं। अगर
आप चाहते हो कि मैं और कुछ जानवरों को चिन्हित करूं, तो आप लोगों को इस वीडियो पर करने हैं 50 लाइक। ही अपनी इस वीडियो पर 50 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे भाई। तुम्हारा भाई तुम्हें वादा करता है अगले 5 जानवर पर वीडियो आ जाएगी वीडियो में। जब मिलते अगले वीडियो में, मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे कहें अलविदा, और भाई GMI को सपोर्ट करते रहें, और अपने भाई को ना भूलना, सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, और दबा के शेयर कर दो इस वीडियो को, टैग कर दो अपने सभी उन बकचोद जानवरों को। जय हिंद।